नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो ऐप तो एक है लेकिन उसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपको लगेगा कि आपने 5-6 ऐप्स को एक साथ ही डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि आपको एक ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस ऐप के बारे में जो है शॉर्टकट मेकर, और ये एक इंडियन ऐप है जिसे एक इंडियन डेवलपर ने डेवलप किया है। काफी अच्छा ऐप है। आप इस ऐप के जरिए जो होम स्क्रीन में जो ऐप्स के आइकन है उन्हें आप चेंज कर सकते हो, उनका शेप चेंज कर सकते हो, उनकी साइज चेंज कर सकते हो, उनके जो लेबल्स है उन्हें हाइड कर सकते हो, उनके जो लेबल है उन्हें चेंज भी कर सकते हो। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो किसी भी ऐप आइकन को। इसके अलावा आप जो हिडन फीचर्स है या हिडन सेटिंग्स है उन्हें एक्सप्लोर करके उनका शॉर्टकट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आप शॉर्टकट क्रिएट करोगे उन्हें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो जब भी आप फिंगरप्रिंट का यूज करोगे तभी वो शॉर्टकट यहाँ पे इनेबल होंगे, ओपन होंगे। तो सारी चीजें आप इस एक ही ऐप में से कर सकते हो। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एप्स, एक्टिविटीज, कॉन्टैक्ट्स, फोल्डर्स, फाइल्स, इंटेंट, सेटिंग्स, वेबसाइट्स, इनर लिंक, इन ऐप रिक्वेस्टेड स्प्लिट, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो आपको अगर किसी ऐप का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट करना है, मान लो मुझे गैलरी के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे पिंच इन करूंगा, विजेट्स में जाऊंगा और फिर आपको जाना है शॉर्टकट मेकर, इस पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। और जैसे आप ऐड करोगे यहां से आपको सिलेक्ट करना है, मान लो मुझे एप्स में जाकर गैलरी जो है उसका यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे गैलरी पे टैप करूंगा और यहाँ पे आपको ये इंटरफेस दिखाया जाएगा। इसमें आपको गैलरी का जो लेबल है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे गैलरी का जो नाम है वो चेंज करके मुझे यहाँ पे करना है फोटोज, तो मैं यहाँ पे इसका लेबल चेंज करके इसे नाम दे दूंगा फोटोज, डन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको उसका नाम दिखाना ही नहीं है तो आप इसे हाइड लेबल भी कर सकते हो, मतलब उस आइकन के नीचे कोई भी नाम आपको नहीं दिखाया जाएगा, तो आप हाइड भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है उस आइकन का, उस ऐप का। फिर आपको यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसमें जाके आइकन को चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में 4 आइकन दिखाई देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप से या इस टाइप से, या फिर केवल नाम दिखाई देगा गैलरी। तो आप इस तरीके से केवल नाम अगर दिखाना चाहते हो, आइकन नहीं दिखाना चाहते हो, आप इस तरीके से भी रख सकते हो। इसके अलावा यूज डिफॉल्ट अगर रखना चाहते हो, टेक्स्ट इमोजी, अगर मुझे यहाँ पे केवल गैलरी नाम लिखना है और कोई इमोजी यहाँ पे दे देनी है इस टाइप से, तो मैं यहाँ पे डन कर दूंगा, इस टाइप से गैलरी का आइकन मुझे दिखाई देगा। या फिर आप अपनी कोई फोटो होगी गैलरी में उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हो आइकन पे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इस फोटो को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे इस फोटो को सेट कर दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डन कर दिया, अब गैलरी के प्लेस पे ये आइकन मुझे दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे सिस्टम आइकन जो होते हैं, मान लो गैलरी के प्लेस पे आपको कोई दूसरा ही आइकन दिखाना है, मैं चाहता हूं कि किसी को पता ना चले, तो मैं गैलरी के प्लेस पे यहाँ पे सेटिंग्स को दिखा दूंगा या फिर इसके गेम लॉन्चर को भी यहाँ पे दिखा सकता हूं। ये आइकन है गेम लॉन्चर का लेकिन ये गैलरी का ही आइकॉन है, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप कोई भी आइकॉन यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टाइल में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो शेप है आप उसे चेंज कर सकते हो, अलग अलग शेप में आप आइकन को यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा शो करना है आप उस आइकन के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो आइकन की साइज है वो भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके अलावा A12 मतलब एंड्रॉइड 12 के जो आइकन है वो भी आपको मिल जाएंगे देखने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड 12 के ये आइकन है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी इसे सेट कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे ये सेट करना है तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है शॉर्टकट लॉक, अगर मैं चाहूँ इसे शॉर्टकट में लॉक ऐड करना तो मैं यहाँ पे इसे ऐड करूंगा, तो जब भी आप फिंगरप्रिंट एक्सेस करोगे तभी ये शॉर्टकट ओपन होगा। और फिर आपको करना है यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोटोज का जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने बनाया है कस्टम तरीके से। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आप अपना खुद का एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, उसका जो ऐप है उसे आप चेंज कर सकते हो, उसका आइकन चेंज कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसका शेप, उसकी साइज सब कुछ आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन ये चेंज होगा केवल होम स्क्रीन में, ऐप स्क्रीन में चेंज नहीं होगा। तो एक टाइप से आप शॉर्टकट्स यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे जाओगे और एक चीज यहाँ पे मिलता है आपको एक्टिविटीज, तो जो भी हिडन फीचर्स है आपके फोन में आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो। मान लो कई बार होता है कि हमारा जो नेटवर्क होता है
वो बार बार 2G 3G पे शिफ्ट होता है। हालांकि 4G तो हमारा फोन होता है लेकिन 2G पे अपने आप शिफ्ट हो जाता है, ई आपको दिखाई देता होगा नेटवर्क में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका फोन हमेशा 4G में ही रहे, आपको पिनचिन करना है। कभी भी अगर आप चाहते हो कि एक ऐप की तरह अच्छे शॉर्टकट्स आपको ऐड करना है तो आप यही से करिए, पिनचिन करिए, विजेट्स में जाइए, फिर आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेकर पर टैप करना है, ऐड पे टैप करना है, फिर यहां से आप सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको यहां पे सर्च करना है जो भी आपको करना है वो फोन इन्फो। तो मैंने यहां पे जैसे सर्च किया था फोन इन्फो, आपको उसे यहां पे ऐड करना है, और फिर मैंने यहां पे पासवर्ड को ऑन कर दिया और क्रिएट शॉर्टकट। आप देखोगे यहां पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हो। ये सेम यहां पे कॉलिंग की तरह है लेकिन ये कॉल वाला नहीं है। जैसे मैं यहां पे इसे टैप करूंगा, आप देखोगे पासवर्ड देने पर यहाँ पे आप जो नेटवर्क टाइप है उसे चेंज कर सकते हो, LTE ओनली भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 4G ओनली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको इस हिडन फीचर में मिल जाता है। ये आपके फोन में होता ही है लेकिन आपके फोन में आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इस ऐप के जरिए आप इस तरीके से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। तो अब जब चाहे तब आप इस तरीके से यहाँ पे जो 4G ओनली जो नेटवर्क है आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको किसी कॉन्टैक्ट या किसी फाइल या किसी फोल्डर का भी शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको पिनचिन करना है, विजेट्स पे टैप करना है, शॉर्टकट मेकर पे टैप करना है, ऐड पे टैप करना है, फिर आपको यहाँ पे टैप करना है फोल्डर पे, और फिर मान लो यहाँ पे आपको डाउनलोड फोल्डर को शो करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो डाउनलोड फोल्डर पे टैप कीजिए, यूज दिस फोल्डर और अलाउ कीजिए, और फिर आप यहां से जो उसका लेवल है वो भी चेंज कर सकते हो या उसे हाइड कर सकते हो। मान लो मुझे इसे हाइड करना है, इसका नाम मैं दिखाना नहीं चाहता तो मैं कर दूंगा डन हाइड करके, और आइकन का जो शेप है मुझे रखना है मान लो हेक्सागन वाला, तो मैं हेक्सागन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, इसकी साइज भी मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा डन। फिर शॉर्टकट लॉक भी यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा लॉक को भी, और कर दूंगा अब यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब एक आइकन अलग साइज का है, दूसरा आइकन अलग साइज का है, तीसरा आइकन अलग साइज का है, और सभी का शेप भी अलग अलग है। तो आप इस तरीके से एक ही होम स्क्रीन में एक ही पेज पे अलग अलग शेप के अलग अलग साइज के यहाँ पे आइकन सेट कर सकते हो। अब मैं अगर इसे ओपन करूंगा तो पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा, और बाद में आप जो डाउनलोड फोल्डर है उसे इंस्टेंटली यहाँ पे देख सकते हो बिना माई फाइल्स में जाके। और दोस्तों जो भी शॉर्टकट्स आप क्रिएट करते हो उनकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हो। तो आप जैसे इस ऐप में जाओगे हिस्ट्री में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा आपने कौन कौन से शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट किए, और फिर आप यही से उसे एडिट भी कर सकते हो। दोस्तों फिर शॉर्टकट मेकर में आपको स्प्लिट कॉम्बो का भी ऑप्शन मिलता है, जो आपको सैमसंग के फोन में मिलता है स्प्लिट कॉम्बो में, मतलब आप एक साथ दोनों ऐप को ओपन कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का, इसमें आपको एक ऐप सिलेक्ट करना पड़ता है। ऊपर में मान लो मुझे सिलेक्ट करना है गैलरी को, और फिर नीचे में मान लो मुझे सिलेक्ट करना है फ्लिपकार्ट को, तो मैं यहाँ पे दोनों ऐप को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे करना है प्लेस ऑन होम स्क्रीन और करना है क्रिएट शॉर्टकट ऐड। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका कॉम्बो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो दोनों ऐप एक साथ यहाँ पे ओपन होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो गैलरी और फ्लिपकार्ट। लेकिन जैसे आप इसे क्लोज करोगे, वापस ओपन करोगे, तब ये काम नहीं करेगा, फिर आपको किसी ऐप को यहां से क्लोज करना पड़ेगा, तब जाके फिर वापस जब आप ओपन करोगे तब जाके काम करेगा। तो आप इस तरीके से मतलब दो ऐप को इस तरीके से कंबाइन कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में। दोस्तों आपने एक्टिविटी लॉन्चर का नाम सुना होगा, उस ऐप का नाम जिसके जरिए आप जो हिडन सेटिंग्स है उसे इनेबल कर सकते हो। दोस्तों यही काम ये ऐप करता है जिसमें आपको एक्टिविटीज का टैब मिल जाता है, इसमें आप यहाँ पे वही सेम फीचर्स यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हिडन सेटिंग्स यहाँ पे सर्च करनी हुई तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उसका आइकन उसका शेप उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप उसे पासवर्ड से प्रोटेक्टेड भी रख सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिलती है एक ही ऐप में, और ये है शॉर्टकट मेकर। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा ऐप है, अगर आपको इसे यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।